नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है। मैं एक टीचर हूँ, रिसर्चर हूँ और एक विचारक भी हूँ। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगी कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस किया जा कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग परेशान होते हैं कि एग्ज़ाम में हमें आता है क्वेश्चन कि इस इक्वेशन को बैलेंस करिए, पर हम इतनी हड़बड़ी में होते हैं और जल्दीबाजी में होते हैं कि हमें कुछ सोचता ही नहीं कि हम कैसे बैलेंस करें और हम बहुत घबरा जाते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना किसी एक खेल के जैसा ही है। जैसे हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, जितना हम उसे ज़्यादा खेलते हैं हमें उसमें उतनी ही रुचि आने लगती है, वैसे ही ये गेम की तरह है। आप जिसे इसे जितना ही ज़्यादा बैलेंस करेंगे, जितनी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको मज़ा आने लगेगा और आपको लगेगा कि और लेके आओ केमिकल इक्वेशंस, मैं और सारी बैलेंस कर दूँगा, बड़ी से बड़ी इक्वेशंस मैं बैलेंस कर सकता हूँ। आप बहुत ही इंजॉय करने लगोगे अगर आपने इसका एक बार कॉन्सेप्ट जान लिया कि हाँ असल में बैलेंस करना होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं कि मैं आपको पहले सबसे पहले बताना चाहूँगी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते किसको हैं। जैसा कि सब लोग यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं कि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है जो कि HCl से रिएक्ट कर रहा है, आपको कैल्शियम क्लोराइड देने के लिए वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि ये एक एरो है, एरो के इस साइड पर जो भी कंटेंट्स आपको देख रहे हैं, जो भी कंपाउंड्स दिख रहे हैं, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। और एरो के इस तरफ मतलब राइट हैंड साइड पे जो भी दिख रहा है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल के हिसाब से दोनों साइड के एलिमेंट्स के एटम्स बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ कैल्शियम का एक एटम है, यहाँ पे भी कैल्शियम का एक एटम होना चाहिए। यहाँ क्लोराइड के दो एटम है तो यहाँ भी क्लोराइड के दो एटम होने चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन का दो है तो यहाँ भी दो होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन का एक है तो यहाँ भी ऑक्सीजन का एक होना ही चाहिए। सो इसी को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। सो दोनों तरफ जो है हर एक एलिमेंट के एक एक एटम जो है बराबर है। कैल्शियम एक, यहाँ भी कैल्शियम एक, यहाँ क्लोराइड दो, यहाँ भी क्लोराइड दो, यहाँ हाइड्रोजन चार है तो यहाँ भी हाइड्रोजन जो है आपका चार है। कैसे? दो यहाँ से और दो यहाँ से चार, और ऑक्सीजन यहाँ पे दो है तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो है। सो ये एक एग्जांपल है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों तरफ हर एक एलिमेंट के एटम बराबर होने चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो हमारा, क्योंकि प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स होता है, कैल्शियम क्लोराइड का यही फॉर्मूला ही है, सो इसीलिए यहाँ पे Cl2 हो गया, जबकि हमारे यहाँ रिएक्टेंट में एक ही HCl था। HCl का भी फॉर्मूला यही होता है, लेकिन हम इस HCl के हिसाब से यहाँ पे CaCl नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी वैलेंसी कैल्शियम की दो है, इसलिए इसका फॉर्मूला यही होगा। इसलिए हम जब फॉर्मूला लिख लेते हैं तो हम बाद में इसको बैलेंस करते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड भी होनी चाहिए, तभी वो सही मानी जाती है। आइए मैं आप सबको दिखाती हूँ बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू कि हम कैसे किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आयरन जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है और फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। फेरिक ऑक्साइड इज अ रस्ट, रस्ट कहते हैं इसको, जिससे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ फेरिक ऑक्साइड में आयरन के तीन एटम है जबकि हमारे रिएक्टेंट साइड में एक ही एटम है, तो हम बहुत आराम से यहाँ पर के थ्री लिख देंगे। थ्री लिख देने से हमारे दोनों साइड के आयरन के एटम्स बराबर हो गए, तो यहाँ भी तीन और यहाँ भी तीन। और अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ चार है जबकि हमारे यहाँ रिएक्टेंट साइड में एक है, तो हम यहाँ पे
चार लिख देंगे। एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि हम जो भी बैलेंस करते वक्त चेंजेस करते हैं, ये जैसे कि हमने यहाँ 3 लिखा यहाँ 4 लिखा, हम हमेशा कंपाउंड के आगे ही लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 3 लिख सकते हैं, हम यहाँ एफ ई के नीचे में यहाँ 3 नहीं लिख सकते हैं हम कभी, ये गलत हो जाएगा, ये फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। आयरन एफ ई के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम यहाँ पे एफ ई ही लिखा रहेगा। हम जो भी लिख सकते हैं वो एलिमेंट के आगे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 3 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा, या यहाँ कुछ लिखना चाहे तो हम कभी भी राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं लिख सकते, हम हमेशा कंपाउंड के आगे की साइड में ही लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे हम कितना हो गया हमारा ऑक्सीजन, यहाँ 4 हो गया है और यहाँ भी 4 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन को देखेंगे, यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन के, जबकि यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को देखने का तरीका, यहाँ पे 4 लिखा है हाइड्रोजन के आगे और यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 6 हाइड्रोजन है, ना ना, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लेंगे, 4 2 8, ये 2 × 4, तो 4 2 8 यानी 8 एटम्स हैं यहाँ हाइड्रोजन के, और हमारे यहाँ पे कितने हैं 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखें कि ये 8 हो जाए, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, तो 4 2 8, अब सारे एटम्स बराबर हो गए। आयरन 3, यहाँ भी आयरन 3, ऑक्सीजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, यहाँ हाइड्रोजन 8। सो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे नाइट्रिक, नाइट्रिक एसिड जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर बनाने के लिए। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नाइट्रिक नाइट्रेट मॉलिक्यूल है ये एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट में क्या है 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रेट है, 2 यहाँ लिखा है ना, इसलिए तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सीधा 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 लिखा हमने यहाँ पे, तो अब 2N और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ पे 2N और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है। अब कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, तो हम इसे नहीं छेड़ेंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो अब हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है 2 लिख देंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 है। अब हम हाइड्रोजन को चेक करेंगे कि कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ये है और 2 हाइड्रोजन यहाँ से 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 4 2 2 4 यहाँ पे, तो ये एक हमारी इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है। अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट और वाटर बनाने के लिए। हमने देखा कि प्रोडक्ट में हमारे जो है 2 एटम्स ऑफ सोडियम है और हमारे रिएक्टेंट में 1 ही है, तो हम यहाँ पे सीधा 2 लिख देंगे, ठीक है, और सल्फेट SO4 यहाँ भी है और SO4 यहाँ, इसको हम नहीं टच करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ऑक्सीजन का यहाँ 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारे 2 मॉलिक्यूल है, तो अब यहाँ कम है, कम को ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा को कम नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब हम हाइड्रोजन चेक करते हैं, 2 2 4, यहाँ भी कितना है 2, ये 2 और ये 2, ये 2 मिला के 4 हो गए, यहाँ भी 4 है, सो ये हमारी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है। देखा कितना आसान है। अब हमने देखा एक और एग्जांपल, ये NaCl है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। हमने देखा सोडियम का 1, सोडियम का 1 इधर भी, क्लोराइड इधर 1, क्लोराइड इधर 1, सिल्वर 1, यहाँ भी सिल्वर 1, NO3, ये तो ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये चेक कर लिया हमने। और ये बैरियम क्लोराइड है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है बैरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए। अब हमने देखा बैरियम दोनों साइड एक एक है, SO4 एक एंटिटी की तरह बिहेव करता है, SO4 को हम नहीं टच करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, SO4 बैलेंस्ड है। अब क्लोराइड का यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ क्लोराइड 2 आयन हो गया। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और अब हमारे यहाँ 2 लिखने से हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हो गया, तो हमारी इक्वेशन हो गई है
पूरी तरीके से बैलेंस्ड। दूसरा एग्जांपल देखेंगे जिसमें फेरिक ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनाने के लिए। ठीक, यहाँ हमने देखा प्रोडक्ट में एल्युमिनियम दो है, यहाँ हमारा एक है, तो हम सीधे यहाँ पे दो लिखते हैं बिना कोई सोचे। फिर हमने देखा कि ऑक्सीजन तीन है यहाँ पे, यहाँ भी ऑक्सीजन तीन है, ये तो बैलेंस्ड है। और आयरन यहाँ एक है, यहाँ भी आयरन दो है, तो हम यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमारी इक्वेशन हो गई है पूरी तरीके से बैलेंस्ड। तो बहुत आसान है। अब हम देखेंगे लेड ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है आपको लेड और CO2 देने के लिए। अब देखिए यहाँ पे लेड एक है, यहाँ यहाँ भी एक है, ठीक है। अब कार्बन यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ पे लेकिन दो है, तो अब हम ज़्यादा को कम नहीं कर सकते हैं, कम को ज़्यादा कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे दो लिख देंगे। तो यहाँ दो हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ भी दो, लेकिन लेड अब यहाँ पे दो हो गया है, तो अब इसीलिए हमें यहाँ भी दो लिखना पड़ेगा। दो लिख दिया, तो यहाँ पे लेड दो, यहाँ भी लेड दो, यहाँ ऑक्सीजन दो, यहाँ भी ऑक्सीजन दो, यहाँ कार्बन एक, यहाँ भी एक कार्बन एक, फाइनल हमारा चेक हो गया है और हमारी इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, सोडियम सल्फेट को रिएक्ट कराया गया है बैरियम क्लोराइड से ताकि हमें बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिले। तो सोडियम का यहाँ दो मॉलिक्यूल है, यहाँ एक ही है, इसीलिए हम फटाक से यहाँ पे दो लिख देंगे, दो मॉलिक्यूल हो गया। SO4 एक एंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे एक है, यहाँ भी SO4 है, इसे हम नहीं टच करेंगे। बैरियम है, बैरियम यहाँ भी है, बैरियम यहाँ भी है, क्लोराइड के यहाँ पे दो आयन है, यहाँ पे हमारे दो हो गए आयन। सो ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है। इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ही मज़ेदार काम है, आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे प्रैक्टिस करेंगे आपका इसमें महारत हासिल होता जाएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा सम्स लगाएंगे, जितने ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उतने ही ज़्यादा इसमें महारत हासिल करते जाएंगे। इक्वेशन बैलेंस करने का कोई भी सेट फॉर्मूला नहीं है, इसको हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करते हैं। आपके अपने रूल्स हो सकते हैं, आप उसे याद रखिए, समझने का अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन इसका एक ही सबसे अच्छा तरीका है अभ्यास। आप जितना अभ्यास करेंगे आप उसको उतना ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आपके लिए वो चीज़ इतनी ही आसान बनती जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।